हाँ जी स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एडवोकेट गुरप्यार सिंह फ्रॉम पंजाब। लेटेस्ट केस राहुल महाजन वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड अदर्स। दिल्ली हाई कोर्ट आस्क्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू टेक एक्शन अगेंस्ट लीगल कॉलेजेस ऑफरिंग अनस्पेसिफाइड डिग्रीज। दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को और बोला है भी कोई भी जो कॉलेज है या कोई भी जो यूनिवर्सिटी है जो अनस्पेसिफाइड डिग्री ऑफर कर रही है स्टूडेंट्स को, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और इन्होंने ये भी गाइडलाइंस में जारी की है भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास भी ये पावर है भी इनको जो है रद्द भी कर सकता है, और इनको सेक्शन 24 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो है उस एक्ट के द्वारा जो प्लेंटिव भी फाइल कर सकता है उन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को। जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं अपने इंडिया में, जैसे सनराइज यूनिवर्सिटी का भी बीच में हुआ था लफड़ा, JRN का हुआ, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का हुआ, ISC यूनिवर्सिटी का, काफ़ी यूनिवर्सिटी जो ऐसी हैं जो अनस्पेसिफाइड डिग्री हैं, वैसे भी पिछले न्यूज़ में मैंशन हुआ था। तो मैं स्टूडेंट्स को बेनती करूंगा भी ये जजमेंट्स का भी आप देखें, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसी यूनिवर्सिटी ने किसी का शोषण किया है, अनस्पेसिफाइड डिग्री दी है, तो इस जजमेंट्स का हवाला आप दे सकते हो। तो मोस्टली चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा एंड जस्टिस संजीव नरूला के द्वारा जो ये जजमेंट्स पास हुई है, तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे ही बोला है भी भाई इनके ऊपर यूनिवर्सिटी को बोला है भी आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए, जो भी यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट्स को अनस्पेसिफाइड डिग्री ग्रांट करती हैं और बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और बाद में उसका कोई भी, जैसे किसी ने लाइसेंस लेना है या मेडिकल लाइन में जाना है, उनका कुछ नहीं बनता, तो ऐसी यूनिवर्सिटियों के खिलाफ जो है मोर्चा उठाया जाए। सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ की जजमेंट्स को भी जरूर पढ़ें ताकि आपने आपको इस चीज़ की हेल्प हो जो इस चीज़ में शोषण में चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।